अभी आने वाले 15 दिन भी नहीं हुए थे कि कमल हासन सिनेमा घरों में दोबारा दस्तक दे दिया है। इनकी लेटेस्ट मूवी थी कल्कि, जहां पर ये सुप्रीम बने हैं। वो फिल्म कितनी बढ़िया है, कितनी नहीं, कहानी कैसी है कैसी नहीं, वो तो एक अलग ही एक टॉपिक है। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये फिल्म है, फिल्म का नाम है इंडियन 2, और ये काफी सालों से इंतजार करने के बाद ये प्रोडक्ट बाहर आया है। इसकी डायरेक्टर और को राइटर है शंकर, जिन्होंने रोबोट बनाई थी। इस फिल्म से उम्मीद हो ना हो, लेकिन कमल हासन से हमेशा ही उम्मीद होती है। वजह यही है कि उनका वर्सटाइल, उनका करेक्टर, उनका मेकअप, उनकी एक्टिंग, और जहां ये सब होते हैं कहानी भी उतनी ही दमदार होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ? तो क्या इस बार भी वही सब हुआ जैसे कि उम्मीद हमेशा लगाई जाती है कमल हासन से? तो जवाब है वो मीम, मजा नहीं आ रहा है। अब कमल हासन ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जो प्रोजेक्ट इंडियन 2 बात करती है बेसिकली करप्शन की। करप्शन में मतलब कि देश के तंत्र में बैठे अधिकारी और आम जनता के बीच बैठे एक ब्लॉक लेवल का आदमी भी किस तरह से करप्शन में लिप्त है। अब ये बात देखो नई नहीं है, ये बात आम जनमानस को मालूम है। भारत के आम जनमानस के नसों में खून की जगह करप्शन बहता है। अगर हम ब्लेम करें कि भाई सरकार में बैठे सत्ताधारी ऑफिसर्स और यहाँ तक कि सरकारी बाबू ये सब करप्ट है, तो इसका जन्मदाता कौन है? उसकी जन्मदाता है आम नागरिक। जी हाँ, आम नागरिक के ही रगों में करप्शन बहता है, क्योंकि आम नागरिक ही करप्शन के बगैर नहीं रह पाएगा। तो कहानी कुल मिला के वही है कि करप्शन समाज में चल रहा है, उस करप्शन का अंत करने के लिए कोई एक मसीहा चाहिए समाज को, और वो मसीहा है कमल हासन, जिसका नाम होता है दादाजी, निकनेम होता है लेकिन उनका नाम होता है सेनापति। अब वो करप्शन किस हिसाब से खत्म करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। अगर बात करें फिल्म की जो कहानी है, आउटडेटेड कहानी है, उसको रीपैकेजिंग करके पेश किया गया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने का तरीका बहुत ही पुराना है, और वो तरीका दर्शकों को इम्प्रेस बिल्कुल नहीं करेगा। इस फिल्म की मूल कहानी, स्टोरी और स्क्रीन प्ले बेहद ही खराब है, जिसकी वजह से पूरी फिल्म ही खराब हो गई है। उसमें क्या कर लेंगे कमल हासन, क्या कर लेंगे उसकी एक्टिंग, और क्या ही कर लेगा उनका मेकअप। कुल मिला के फिल्म बहुत ही एवरेज है, बड़े बजट की फिल्म बहुत ही एवरेज है। और समझ नहीं आ रहा कि इसमें कमल हासन अगर फिल्म को बनाई है, इसकी स्क्रीनिंग भी की होगी, तो क्या देखा नहीं कि ऑडियंस को क्या, उनके रिक्वायरमेंट को ये मीट कर पाएगी? उनके जो मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, फिल्म से जितने भी जुड़े हुए, जितने भी एक एक सदस्य, देखा होगा क्या किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया कि फिल्म में कहानी ही नहीं है, और जो कहानी दी गई है वो 1980 में चला करती थी, 2024 में नहीं। पूरी फिल्म बिल्कुल भी इंटरेस्ट पैदा कर ही नहीं पाती ऑडियंस के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म शुरुआती के 20 मिनट के बाद ही पूरी तरह हिल जाती है। ना ही डायलॉग, ना ही कहानी में पकड़, ना ही स्टोरी टेलिंग ढंग का, ना ही उसका एग्जीक्यूशन, कुछ भी चीज ढंग का नहीं है। इसमें कुछ है तो कमल हासन है। अब उसको पसंद करते हो जाके देख लो, अदरवाइज कमल हासन के अलावा कुछ भी नहीं है फिल्म में। मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 3.5 आउट ऑफ 10 स्टार।